बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जिसके लिए मेरे पास गाजर, मटर, आलू हैं, कटे हुए टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 कटोरियाँ चावलों की हैं, इनको आधा घंटा पहले पानी में भिगोया था। बहुत ही मज़ेदार ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार होगा। ये मैंने पतीली में प्याज काट के डाला है और 1 कप घी का डाला है। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे और इसमें सब्ज़ इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। ये डाल के प्याज को फ्राई कर लूँगी। जैसे प्याज फ्राई होगा फिर इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मिक्स वेजिटेबल। प्याज गोल्डन फ्राई हो गया, अब इसमें ये सब्ज़ी डाल देंगे और इसको भी साथ फ्राई करेंगे। नमक डालेंगे 3 चम्मच, सूरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच और जीरा डाल देंगे। अब सब्ज़ी को भी बहुत अच्छी तरह से साथ फ्राई करेंगे। जैसे सब्ज़ी फ्राई और मसाला भी भुनेगा साथ ही, फिर इसमें पानी डालेंगे। 2 कटोरियाँ चावलों की हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार। सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है, इसमें घी छोड़ दिया, गाजर, मटर, आलू, प्याज, हर चीज़ अच्छी तरह से भुन गई है, मसाला भी। अब मैं इसमें पानी का कटोरा डाल दूँगी। 4 कटोरियाँ पानी की हैं। जैसे पानी को उबाल आएगा फिर इसमें चावल डाल देंगे। पानी उबल चुका, अब इसमें ये चावल डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक भी चेक करेंगे, अगर कम होगा तो थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को चेक करके डाल लिया करें। मैंने 3 चम्मच डाले थे थैले, अगर कम लगा तो थोड़ा सा और डालूँगी, खुश्क होगा। बहुत ही प्यारा मटर पुलाव का रंग आ गया है, देखें खिले खिले से चावल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको दम लगा दूँगी 10 से 15 मिनट का, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो गया है। चावलों का दम उतार लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से दम आ चुका है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पुलाव बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो गया। इसी तरह से बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखा करें।